क्या हुआ कि एक ऐसी स्टेज आ गई लाइफ में जब जा करके मॉडलिंग में हम टॉप पे पहुंच गए, सच बोल बोल कर। बाकी एजेंसी झूठ बोलती थी, वो कहती थी गारंटी मिलेगी काम की, गारंटी मिलेगी, गारंटी असाइनमेंट्स मिलेंगे। हम एक अकेली एजेंसी थी जो बोलते थे कोई गारंटी नहीं, 90% लोगों को काम नहीं मिलता, जुआ खेलना है तो आ जाओ नहीं तो बाहर बैठो। बट मैं खुश नहीं था, मैं बहुत परेशान था, पैसा बहुत आ गया था, मैं खुश नहीं था। तो क्यों नहीं था? क्योंकि जो मॉडल्स थे वो खुश नहीं थे। मॉडल्स आते थे ऑल दो बता देते थे गारंटी नहीं है, बट वो पोर्टफोलियो किस लिए करा रहे हैं, हम किस लिए शूट करा रहे हैं, काम करने के लिए ना, और काम मिलता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, अब अंदर से कहीं से इतनी बड़ी अर्ज आई, इतनी बड़ी एक डिजायर आया। मैंने कहा ना जितना बड़ा डिजायर उतनी बड़ी सक्सेस, क्यों वो कोई नहीं जानता। वो डिजायर क्या था कि कुछ करना है मॉडल्स से, कुछ करना है कि मैं उनकी आंख में आंख मिला करके बोल सकूं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ, एक दिन जब डिजायर आता है ना तो सारी पावर अपने आप खींची चली जाती है। जब हम जवाब मांग रहे होते हैं, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो सब चीजें हमको जवाब देने लग जाती है, दुनिया में हर तरफ से जवाब आने लग जाते हैं। तो जवाब क्या आया, एक दिन एक एजेंसी वाला आया, एड एजेंसी वाला, उसने फोटोग्राफ देखी मॉडल की और बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे पास में टाइम नहीं है शूटिंग कराने का, ऐसा करते हैं फोटो को स्कैन करते हैं और सीधा एड में छाप देते हैं क्योंकि परसों हमारी एड आनी है। उनका बढ़िया है, उन्होंने कहा लेकिन हम तुमको इसका सिर्फ 2500 रुपये देंगे। मैंने कहा और भी बढ़िया है, मैंने 2500 रुपये लिए, 1250 रुपये मॉडल को दे दिए, मॉडल भी खुश, मैं भी खुश, यहाँ से वो क्लाइंट भी खुश, उसको एक चीज जल्दी मिल गई। मेरे को क्या हुआ कि मॉडल को काम मिल गया और मॉडल इसलिए खुश, उसको पहला असाइनमेंट मिल गया। तो क्या हुआ कि जैसे ये चीज हुई मेरे को आइडिया आया, मैंने कहा यार अभी करता हूं, कल तक नहीं रुकना, अभी एक्शन अभी लेना है। दोनों ऑफिस बंद करे फटाफट, दोनों जो ऑफिस चल रहे थे जहां से आ रहे थे पैसे, फिर दुनिया ने कहा कि नहीं तो पागल हो गया। टाइम आ जाता है ना, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो आपको पागल होना पड़ेगा। दोनों ऑफिस बंद किए और सारा फोकस डाल दिया इमेजेस बाजार में। उसी दिन मैंने कसम खा ली और अपने पूरे ऑफिस में सबको बता दिया कि आज के बाद हम किसी भी मॉडल से पैसे लेंगे नहीं, एक रुपए भी उसको देंगे। और वो दिन है और एक आज का दिन है, 6 साल हो गए, एक भी मॉडल आकर के नहीं बोल सकता हमने उसे एक रुपए भी दिया है। मेरी सबसे बड़ी सक्सेस कहां से आई, जिस दिन अंदर से वो अर्ज आई शेयर करने की, जो मेरी अपनी एग्जिस्टेंस से बड़ी थी। मैं लुक जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए, बस मॉडल्स के लिए कुछ करके जाऊंगा, इन लोगों के लिए, इनकी आंखों में आंखें मिला करके मेरे को इनकी खुशी देखनी है। और वही हुआ, इमेजेस बाजार पे काम शुरू हुआ, उसको हमने लॉन्च किया। शुरू में कई प्रॉब्लम्स आई, काफी सारी आई, हर चीज का सोल्यूशन निकला आसान है के थ्रू। एंड में मुझे याद है जब पहली एक इमेज एक मॉडल की छपी थी, एक बच्चे की, उसकी मदर आई थी और उनकी आंखों के अंदर पानी था, वो दिखा रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि वो फोटो छप गई है, एक एड में उन्होंने ली थी हमसे। तो जो फोटोग्राफ उन्होंने मेरे को दिखाई तो वो रोते रोते कहती कहती थैंक यू सर, बस वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अवार्ड मिले, बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं है, सब दिखा रहे इसमें पैसा है, गाड़ियाँ हैं, ये है, कुछ नहीं है। 2 दिन बाद आदत हो जाती है, मतलब कोई भी गाड़ी आप ले लो, बड़ी से बड़ी भी ले लो, शुरू में बहुत अच्छी लगेगी, हफ्ता अच्छी लगेगी, 10 दिन महीना अच्छी लगेगी, लेकिन भूल जाओगे। लेकिन वो ये वाला जो मोमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर कोई मेरे से सक्सेस की डेफिनेशन मांगेगा, जो आप लोगों से मांगी थी साइड पे, तो मेरे लिए सक्सेस की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि शेयर करो, दिल से शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि जो भी लोग हमारी कंपनी में हैं, जितने भी इंप्लॉइज हैं, और इसी की वजह से 7 साल से 6 साल से जितने भी इंप्लॉइज हैं, उसमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो छोड़ के गया हो, सब जहां थे वहीं के वहीं है। मेरे लिए सक्सेस क्या है कि वो लोग खुश रहे, मेरे लिए सक्सेस क्या है कि मॉडल्स खुश रहे, मॉडल्स के चेहरों पे हमेशा हंसी रहे, मेरे को कम पैसे मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है, मॉडल्स खुश रहने चाहिए, क्लाइंट्स खुश रहे। आज भी अगर रात को 4 बजे भी मेरे पास में मोबाइल में कॉल आ जाते हैं क्लाइंट्स के, तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ बात करने के लिए, बताओ क्या प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करता हूँ। ये मेरे लिए सक्सेस है और कुछ नहीं।